हेलो गाइस, मैं हूं ईशान। वेलकम बैक टू ईशान सूरी व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज सारे जो है भेद हम लोग खोल देंगे। यहाँ आज आपको बताने वाले हैं कि हम लोग हमारी कैंपिंग ट्रिप के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, मतलब कि हम लोग किस तरीके से पैकिंग करते हैं, क्या क्या सामान लेके जाते हैं, हमारी कैंपर वैन, हमारी XUV500 जिसको हम लोगों ने चलता फिरता घर बना रखा है, अंदर पैकेजिंग कैसे करते हैं, क्या क्या सामान लेके जाते हैं। चलिए ये सारी बातें अपन लोग करने वाले हैं। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बढ़िया सी एक्साइटिंग ट्रिप के लिए। आप लोगों के लिए बढ़िया सरप्राइज आने वाला भाई साहब। तो चलिए देख लेते हैं क्या हाल है। घर के हाल तो बेहाल है। यहाँ पे देखो हमारी बेटी जो है यहाँ बैठी हुई है, मेडिकल बॉक्स के अंदर कुछ छेड़खानी कर रही है। यहाँ मैंने कशिश को लगाया हुआ है कामकाज के ऊपर। हाँ जी मैडम, क्या चल रहा है? बस पैकिंग चल रही है कपड़ों की। अरे ये पीछे क्या तामझाम लगा रखा है यार आपने, ये सब कुछ ये कपड़े पैक कर रही हो गए इनफैक्ट ऑलमोस्ट। भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप तक सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंच जाएं। एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मदद होती है भाई साहब। जो लोग चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं आप लोग प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इस तरीके से मदद मिल सके। हमारी जीन्स को क्या कर दिया आपने, थैला बना दिया? थैला नहीं बना दिया, बहुत ही छोटी पैकिंग कर दी मैंने आपकी जीन्स की ताकि और भी जीन्स आप लेके जा सको। क्या बात है सच में यार भाई साहब, ये देखो ये वाली जीन्स है, इतनी बड़ी जीन्स को मैडम ने इतना सा कर दिया यार, वाकई में लाजवाब है। और क्या कर रखा है हमने तो मुझे बता दो। गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने ये जैकेट है बड़ी सारी, ये जीन्स है यहाँ पे और ये कुछ लोअर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने मोटा वाला बिल्कुल स्पिटी वाला एक स्वेटर निकाल दिया क्योंकि यार हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं ना वहाँ पे अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, भोपाल से ज्यादा वहाँ पे टेम्परेचर मतलब कम होने वाला है तो भाई साहब बहुत ठंड पड़ने वाली है। यहाँ पे मेरी पगड़ी रख ली है मैंने, यहाँ पे शिका के लिए स्वेटर्स निकाल लिए, उसके लोअर्स निकाल लिए, तो मतलब इनफ हम लोगों ने सारी चीजें जो है सारी चीजें निकाल ली है तो कोई भी मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। बता दो तो हमारे सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं किस तरीके से पैकिंग किस तरीके से की जाती है। अरे बहुत ही सिंपल है, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को पता होगा। ओके ओके मैं बता देती हूँ। देखिए बताइए बताइए, आपका कोई भी लोअर है ओके, उसे साइड वे में फोल्ड करिए। ओके, जो बाहर एरिया निकलता है इसको एक और फोल्ड करिए और दोनों लेग में से एक लेग को हमें बाहर निकालना है। क्या बात है। और यहाँ से बहुत ही टाइटली यू हैव टू मेक अ रोल, हमें एक रोल बनाना है। क्या बात है क्या बात है, तो जादू की पुड़िया बनते जा रही है। तो एक्चुअली क्या है ना, जगह कम है और कपड़े ज्यादा है तो ये करना ही पड़ेगा। लो भैया, उसके बाद जो दूसरा लेग है उसके अंदर इस पूरे को आप डाल दीजिए। लो भैया आपका जो लोअर है इतना बड़ा लोअर इन्होंने इतना सा बना दिया। टी शर्ट का भी बताती हूँ, एक टी शर्ट मुझे खोलनी पड़ेगी। व्यूअर्स की सारी कहानी चल रही है यहाँ पे, व्यूअर्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लद्दाख वाली टी शर्ट जो है मैडम हमारी किस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेगी। तो लो भैया, टी शर्ट के दोनों हाथ है वो अंदर करने हैं। ओके ओके, जो टी शर्ट का नीचे वाला पोर्शन ओके उसको बाहर निकाल दिया आपने। हाँ, हमें वहाँ पे एक ऐसा पाउच सा बनाना। क्या बात है क्या बात है। आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोगों को इस तरीके से पैकिंग करनी है, कॉम्पैक्ट पैकिंग, सूटकेस बड़ा या छोटा, अगर ज्यादा से ज्यादा सामान भरना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम एक फोल्ड टी शर्ट का अंदर की तरफ करेंगे, दूसरा फोल्ड भी करेंगे एंड अगेन दोबारा हम इसे बहुत ही ज्यादा टाइटली पाउच बनाएंगे और ये वाला जो पोर्शन आता है ओके इसके अंदर हम पूरी टी शर्ट को अंदर ले लेंगे। क्या बात है, तो छोटा सा गोल रोलर तकिया बन गया भैया ये तो। इनफैक्ट ये करने के बाद हमें आयरन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो पूरी तरह से अच्छे से रोल होके स्ट्रेच हो जाता है। तो क्या बात है, तो बिल्कुल आयरन मिलता तो है। बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। यूजुअली देखो अगर ऐसे सिंगल सिंगल कपड़ों को फोल्ड करते तो बहुत सारा जो है वो गड्ढा बन जाता है। अब देखिए छोटे छोटे जो रोलर्स हैं इनको आसानी से अपन रख सकते हैं। ये वाला रूल है, क्या बात है। पहाड़ी के अंदर सोना है तो यार ठंडी तो बहुत कुछ है, आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग होटल्स के अंदर नहीं रुकते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ गाड़ी के अंदर होने वाला है। इस बार हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे भोपाल से टेम्परेचर और कम होगा क्योंकि वहाँ पे शीतलहर चल रही तो यार वहाँ पे ठंडक ज्यादा होगी। मुझे लगता है शायद ही हम लोग वहाँ पे रूफटॉप टेंट खोल पाएंगे। अगर रूफटॉप टेंट खोल पाए तो जरूर आपको रूफटॉप टेंट कैंपिंग भी देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज स्लीपिंग इन कार तो आपको 100% देखने को मिल ही जाएगा। अब कार के अंदर भी ठंड के टाइम पे सोना काफी ज्यादा चिलिंग हो जाती है कार, जब तक आप हीटर चला के रखो तब तक तो ठीक है, मगर आपको हीटर चलाना है तो आपको बहुत सारा डीजल वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए हम लोग गए थे वी मार्ट और वी मार्ट से हम लोग लेके आए हैं ये 99 रुपए का एक कंबल है, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया सिंगल ब्लैंकेट है, आप इसको ओपन करके दिखाओ। ऑफर में मिला है 3+1, मतलब 300 रुपए में हमें 4 कंबल मिल रहे हैं। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया। खोल के दिखाते हैं गाइस, ये बहुत ही बढ़िया। अब इसका क्या यूज होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर कि हम लोग किस तरीके से इसको यूज करने वाले हैं। ये देखिए कितना बड़ा ये ब्लैंकेट है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही बड़ा है, मतलब आप लोग देख सकते हैं मतलब लगभग एक सिंगल बेडशीट जितना है। सबसे बड़ी बात ये है कि पतला है, जगह घेरेगा और गर्म है। बेसिकली ये गाड़ी को इंसुलेशन करने के लिए लिए हैं, अपन गाड़ी को इंसुलेट करेंगे इससे। अब किस तरीके से करेंगे, जब अपन गाड़ी के अंदर जाएंगे, जब अपनी ट्रिप शुरू हो जाएगी, जब हम लोग वहाँ पे सोएंगे तब आपको ये देखने को मिल जाएगा कि गाड़ी में इंसुलेशन किस तरीके से किया जा रहा है इन छोटे छोटे मात्र 99 रुपए के ब्लैंकेट। इनका अच्छा है यार, इनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। देखो
इनकी बस मस्ती चलती रहती है, इनको इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचता। किचन का डिपार्टमेंट आपका है मैडम, तो आप बता दीजिए क्या क्या लेके जा रहे हैं अपन। हम लोग एक्चुअली बर्तन इस बार बहुत ही लिमिटेड लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे कि सारी चीजें एक एक है, बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये वाला जो ट्रिप होने वाला है वो है तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग, पसंद आप लोगों को बहुत आएगा, पर ये ऑल एंड ऑल पूरी तरह से कैंपिंग ट्रिप नहीं है, इसमें एक कैंपर वैन ट्रिप है जिसमें हम जा रहे हैं आ रहे हैं और कुछ एक्सप्लोर करेंगे, और हो सकता है हमें वहाँ पे बाहर का खाना भी खाना पड़े। कुकर में हमने एक 2 लीटर का कुकर रखा है, विच इज क्वाइट सफिशियंट, हम तीन लोगों के लिए पूरी तरह से सफिशियंट है। छोटा कुकर बढ़िया है, प्रेस्टीज का है ना मेन बात। हाँ, प्रेस्टीज का है। सबसे बेस्ट पार्ट ये कि टॉल है पर ये जगह बहुत कम लेता है, सच में आप इसका सरकमफेरेंस देखो कि बहुत छोटा है। ये देखो गाइस, बिल्कुल छोटा सा कुकर है, बहुत ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा है, क्यूट है बहुत ही। बाकी एक हमने कढ़ाई ली है, एक ही कटोरा लिया है, मल्टीपर्पज कटोरा है, ओके। इसमें सारी चीजें हो जाती हैं, आटा भी लग जाता है और बाकी कुछ धोना हो या कुछ गलाना हो। ये कैंपिंग वाले अपने बर्तन हैं रेगुलर जो अपन यूज करते हैं, सेट है कैंपिंग वाला। इसमें ये दो तरह के, एक पैन आता है, दो तरह के पैन है, इसका एक ढक्कन है। बेसिकली क्या है, सारे के बर्तन इस कढ़ाई के अंदर ही चले जाते हैं, तो रखने में बहुत आसानी है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, ये देखो 1, 2, 3 और 4 बर्तन आ चुके हैं, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली, देखिए आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारी सुबह सुबह की चाय बन जाती है, और इसके अंदर कोई भी ऐसे ही नाश्ता कुछ बनाना हो अपने को, या कोई चीज गर्म करनी है, तड़का लगाना है, तो इसके अंदर हो सकता है। कांच की कटोरिया नहीं लेनी चाहिए कैंपिंग में, पर ये शिका की फेवरेट है ये। चलो भैया, एक हम लोग ये कोलैप्सिबल स्ट्रेनर भी रखते हैं हमेशा, ये भी जगह बहुत कम लेता है और बहुत ही यूजफुल है, कुछ भी वॉश करना हो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स या पोहा कुछ भी गला के वॉश करना हो, तो ये 2 मिनट में हो जाता है। हम लोग एक मल्टीपर्पज तवा ले लेते हैं जिसमें हम रोटी भी बना लेते हैं और डोसा भी बना लेते हैं, क्योंकि डोसा खाने की हमारी बच्ची बहुत शौकीन है। कुछ ही चम्मच है, मैशर है, छलनी है, तो ये रेगुलर आइटम्स है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। बैग में रखती हूँ, इस बैग में मैंने एक पॉकेट बना रखी है नाइफ के लिए, कलर और नाइफ के लिए, और दूसरे में मैंने सभी तरह के अलग अलग साइज के शेप के स्पून रखे हैं। इस पूरे सामान को बेसिकली हम लोग क्या है इस बॉक्स के अंदर लेके जाने वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। जितने भी बर्तन है अभी पूरे सिमट के गया है, इसके अंदर चले जाएंगे। मैं एक बार चले जाएंगे तो मैं आपको फाइनली बॉक्स बंद करके दिखाऊंगा कि ये पूरा जो तामझाम है इस बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है। फाइनली देखो, मैडम ने सारा जो है सामान इसके अंदर बंद कर दिया है, और ये देखिए इतना सारा जो सामान है इसके अंदर आ चुका है यहाँ पे, और ये इस तरीके से हमारा जो पिटारा है वो यहाँ पे बंद। बात आती है खाने पीने की, तो उसका अरेंजमेंट बता दो मैडम क्या क्या है यहाँ पे। एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं होने वाली है, और जो भी कुकिंग होने वाली है बहुत ही बेसिक होने वाली है। तो ये कुछ दालें रख ली है हमने, चावल रख ली है, मसाले रख ली है, ये थोड़े छोटे मसाले हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बाकी कुछ सूप्स है, पॉपकॉर्न्स है, ईशिका की छोटी मोटी भूख के लिए, पास्ता है, ये सॉल्ट है, ऑयल है, घी है, आटा है, इडली डोसा बना लेंगे हम लोग, ये डोसे का पैकेट है। तो ये सारा ही सामान हम इस वाली बकेट में रखेंगे ताकि इजिली एक्सेसिबल रहे। गाइस आपको बता दें कि बहुत सारा जो सामान है वो ऑलरेडी नीचे ड्रॉर के अंदर रखा हुआ है, जब अपन नीचे जाएंगे तो अपन देख लेंगे कि और क्या क्या सामान रखा हुआ है। ये जो सारा सामान है आप लोग देख सकते हैं, ये 3 बैग है हमारे पास, ये तीनों बैग है, एक मेरा है, एक इशिका का है और एक कशिश का है। तो हमारा जो ये पूरा कपड़े का जो सामान है वो हम इंडिविजुअल हमारे हमारे बैग्स के अंदर रख लेते हैं, सबसे इजी होता है, बिल्कुल कोई मिक्स एंड मैच नहीं होता, ये सबसे इजी तरीका है। इस तरीके से एक बास्केट बनाई है आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला स्टोरेज है किचन का, उसके अंदर दूसरा सामान रख रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा हम लोग गर्म कपड़े रख रहे हैं, तो इस बास्केट के अंदर बिल्कुल ही हैंडी होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा रख लिया, कुछ चावल है, दाल है, घी है, और यहाँ पे दालें हैं, पानी की बॉटल है, कुछ यहाँ पे स्नैक्स रख लिए हैं, नमकीन रख लिए, यहाँ पे बिस्किट्स हैं, टिश्यू पेपर है, और ये भी थोड़ा सा खाना बना के रख लिया है, और इसके अंदर मसालादानी है। तो ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं साथ में। अब हमारे पास अलग अलग कंबल हैं आप लोग देख सकते हैं, तो ये डबल बेड का कंबल एक ये रख लिया है, एक ये सिंगल बेड का, ये उत्तराखंड से लिया था, बहुत गर्म है, साथ में एक ये रख लिया है, बहुत सारी चीज़ें रख ली हैं साथ में, और ये इशिका के लिए कुछ एक्स्ट्रा और गर्म कपड़े ले लिए यहाँ पे। तो सारा तामझाम यहाँ पे इस तरीके से, और ये वाले तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाले जो कंबल हैं हम लोग इंसुलेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, और साथ में बड़ा बड़ा मोटे शीपा बटर, शीपा बटर भी ले लिया इसके लिए। और ये गया तो ये थोड़ा सा फ्रूट्स रख लिया है, थोड़ी सी सब्जी रख ली है यहाँ पे, वेजिटेबल्स रख लिए, और ये है मेरा फेवरेट जूस। भाई जी अपन गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। यहाँ से देखिए भाई साहब, सामान जो है वो गाड़ी के अंदर पैक हो चुका है, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी के अंदर ये वाले जो स्टोरेज है ये हम लोगों ने बर्तन के लिए बनाए थे, तो आप देख सकते हैं इस बार क्या फुल फ्लेज्ड कैंपिंग तो नहीं हो रही है, पर हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे अगेन भोपाल से ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारे जो है गर्म कपड़े जितने भी अपने बड़े जैकेट्स हैं और जो हमारी सारी जर्किन्स है वो सारी इसके अंदर रख रहे हैं हम लोग, और ये वाला जो स्टोरेज है पूरा हम लोग गर्म कपड़े के लिए यूज कर लेंगे, अपने एक्स्ट्रा कपड़ों के लिए यूज।
यूज कर लेंगे। सकते हो इस तरीके से हम लोगों ने क्या है यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्नैक्स आइटम रखे हुए हैं। बास्केट जो है वो यहाँ पे रख ली हम लोगों ने, एक इमरजेंसी लाइट है और ये कुछ मैंने जो बोला था कुछ हम लोगों ने वेजिटेबल्स लिए। ऐशिका की टॉयलेट सीट है, कभी इमरजेंसी में हम लोग को यूज करना पड़ती है। ये दो बैग हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया हमारे, पीछे से आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। ये पीछे भाई साहब पूरा सोने की व्यवस्था की गई है, गाड़ी के अंदर सोने की पूरी व्यवस्था की गई है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कंबल है, क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है भोपाल से ज्यादा कम है। ये यहाँ पे इस पर हम लोगों ने क्या मोटा वाला मैट्रेस रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सामने जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, मैंने रखी हुई है अपनी गैस की टंकी। हमारे एक्स्ट्रा शूज आ गए हैं सारे। यहाँ पे हम लोगों ने वो बलवान रख लिया है जिससे हम लोग पानी का मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। सारा सामान इस तरीके से रख लिया मैंने। ये चेयर्स है, मतलब कैंपिंग का जो रेगुलर सेटअप होता है वो गाड़ी के अंदर वो तो लगा ही हुआ है। गाइस पैकिंग तो पूरी हो गई है, अब ट्रिप का इंतजार है, फटाफट ट्रिप के लिए भी निकलना है अपने को। एज आई सेड कि धमाकेदार होने वाली ट्रिप, काफी मजा आएगा आपको। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ी के अंदर ही सोएं और नो आउटसाइड फूड एंड नो रेस्टोरेंट, इसी पद्धति के ऊपर चलेंगे। आप भी अगर अपने कैंपरमैन की तैयारी कर रहे हो और ट्रिप पे निकलने वाले हो तो इस तरीके से आप लोग सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। बहुत ही इंस्टेंट ट्रिप है, शॉर्ट ट्रिप है, निकल से 3-4 दिन के अंदर वाइंड अप कर देंगे। तो इस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया गया है, सारी चीजें अपने मुताबिक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग सारी चीजें रख सकते हो। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करके मुझे बताएं आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों के भी काम आ सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।